बहुत बड़ी गलती हुई हमसे। बयान को उसका सच नहीं बता पाए हम। उसका हक था यह सब जानने का। कैसे बताते जी, कैसे बताते और कब बताते? हमें तो खुद नहीं पता था इतने सालों तक। ध्रुव को हम लोग पहले ही खो चुके हैं। अब बिहान को ये सच बताते तो उसको भी तो खो। हम जो इतना साल अपने बेटे से दूर रहे, अपना बेटा के लिए तरसते हैं, उसका कोई हिसाब है वसुंधरा पांडे? एक माँ के दिल से क्या बीता है ये तो तुम अच्छा तरह से जानती हो ना। सुनिए, अब हम लोग एक मिनट घर में नहीं रहेंगे। हमारा बच्चा आते ही घर छोड़ के चले जाएंगे। नहीं रहेगा बाबू, झूठे और पराए लोगों की मीत। क्यों चले गए थे तुम? हटो बिहान, बिहान कहाँ गए थे तुम बेटा? क्या हो गया, ये गंदा कैसे लग गया है? तुम एक काम करो, तुम पहले नहा लो और फिर कुछ खा लो। बाप रे बाप, तुम्हारा जान निकल जाएगा तुमको कुछ हो गया तो। अब तुमको भी कुछ दुख नहीं देगा, तुम खा लो पहले। चलो चलो चलो, हम तुमको ले चलते हैं। चलो चलो बेटा। देखो कितना अच्छा लग रहे हो, एकदम हीरो के जैसा। ए बेटा, हाँ कुछ बोलो ना। देखो ये सब ना नसीब का खेल होता है कि हम दोनों इतना साल एक दूसरे से दूर रहे, पर अब ना ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। अब हम लोग अपने घर जाएंगे और वहां आराम से रहेंगे। तुमको पराया दुनिया में रहने का ना कोई जरूरत नहीं है। हम एक काम करते हैं, अपना बचा हुआ सामान बांध देते हैं और तुम भी और तैयार हो जाओ, हम आते हैं। हाँ तुम्हारे साथ। हमने तो कितनी बड़ी बड़ी मुश्किलों का एक साथ मिलकर सामना किया है ना, तो देख लेना हम इस दौर को भी किस तरह जीतते हैं। बस तुम चुप मत रहो। देखो जब तक तुम अपने दिल की बात मुझसे नहीं कहोगे, तुम्हारा दिल हल्का कैसे होगा? देखो अगर ये सच सामने आ गया ना, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो सारे पुराने रिश्ते, सारा सच सब बदल गया। मैं बाबूजी, माँ, पूरा परिवार तुमसे कितना प्यार करता है। बिहान कुछ तो बोलो। तुमने सुना ना, वो तुम्हें यहाँ से दूर ले जाना चाहती है। बिहान अगर तुम चले गए तो सब बिखर जाएगा, पूरा परिवार टूट जाएगा। बिहान तुम यहाँ से नहीं जा सकते, मुझे माँ बाबूजी सबको छोड़ के। ठीक है, मैं उनसे अभी बात करती हूँ। तुम यहाँ क्या करने आई हो? आंटी जी प्लीज, बिहान को यहाँ से मत ले जाइए। बिहान तो इस घर का बेटा है,
में से कोई भी उसके बिना रह नहीं पाएगा यहाँ। जान है वो इस घर की। हाँ? क्या? क्या? इस परिवार की जान है? काबू से भैया? हमको सब पता है। कौतूहलों से बस्तर व्यवहार किया गया है घर में हमारे बच्चे के साथ। तुम कौन सा दूध का धुली हो? तुम कम नफरत की हो हमारे बच्चे से? नहीं आंटी जी, आंटी जी देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक समय था जो अब बीत चुका है, गुजर चुका है वो वक्त। आंटी जी अब तो देखिए ना, हम कितने खुश हैं एक दूसरे के साथ। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ आंटी जी, प्लीज मत ले जाइए बिहार को यहाँ से। मेरा बच्चा, तुम चाहती हम नहीं ले जाए? ठीक है, हम नहीं ले जाएंगे। लेकिन ना इसके बदले में हमारा एक शर्त है, तुमको वो पूरा करना होगा। आप जो भी बोलेंगी मैं सब करूंगी। अपने बिहार और अपने परिवार के लिए मैं सब कुछ करूंगी। आप मुझसे बोलिए क्या करना है मुझे। तो ठीक है, जो तुम चाहती है वो एक बार बिना रुके बोल दो, हम बिहान को नहीं ले जाएंगे। आंटी जी आप बिहार को आंटी जी आप बिहार को मत बोलो बेटा। आंटी जी आप बिहान को एक बार और कोशिश करती हूँ। बोल रहा आंटी जी आप बिहान को मत ले ले। आंटी जी आप मेरे पिता पूरा जिंदगी नहीं है हमारे पास। ये बात तुम अच्छा से समझ लो, ना तो तुम्हारा जवान बदलेगा और ना ही हमारा फैसला। बिहान जाएगा और आज ही जाएगा। किसी का बाप हमको बिहान को यहाँ से ले जाने से नहीं रोक सकता। वसुंधरा पांडे की तरह मूर्ख नहीं है जो अटक अटक के बोलने वाली लड़की को हम अपना बहू स्वीकार करें। अब हमारे खोपड़ी पे ही खड़ी रहोगी, जाओगी नहीं। कल निकलो, आई थी थप थप छोड़ दिया वो बिहान को रोकने के लिए। बिना रुके तो कुछ बोल नहीं सकती है, बिहान को रोकेगी? सुनते रहिए। पगला गई है क्या? थप थप थपकिया बुड़बक है। उसको ये नहीं पता कि हम लोग बिहान पे हक इसलिए थोड़े ना दिखा रहे हैं क्यों ही घरवा में रुके। अरे हम लोगों को तो जो बिहान से काम है उसके लिए तो हमको उसको कहीं दूर ले जाना होगा ना। पगला गई और चिल्ला चिल्ला के सबको जाके बता दीजिए
दीवार का भी कान होता है। किसी को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे यहाँ आने का असली मकसद क्या है। जान लीजिए आपके बाबूजी ना ये बाहर से मंगाए थे और ये हमारे पास रखा था। सोचा कि जन्मदिन पे ना आपको अपने हाथ से पहनाएंगे, पर वो तो हो नहीं पाया। और तब से ही ना इसको हम अपने पास ही संभाल के रखे हैं। ये चलती नहीं है, अभी बंद है, पर इसको हाथ में पहनोगे ना तो अपने आप चल पड़ेगी, ऐसे बाबूजी हमको बोले थे। तो पहना दे। चल पड़ी। आपके बाबूजी होते ना तो बड़ा ही खुश होते। मानो आपके बाबूजी आपको बड़ा ही प्यार करते थे। और ये घर भी ना बाबूजी ने आपके नाम पे बनवाया था, साची में। और आपके नाम का पत्थर ना बाबूजी ने खुद अपने हाथों से उभार आंगन के बीचों बीच गाड़ा था, साची में। और ये बात ना बाबूजी ने हमें खुद ही बताई थी। आप कुछ बोलेंगे नहीं? ठीक है, हम चलते हैं। पता है आपके बाबूजी क्या बोलते थे? बाबूजी बोलते थे ना कि समय ना बड़ा ही बलवान होता है, समय के साथ साथ ना सब कुछ ठीक हो जाता है, बस घड़ी की सुई ना चलती रहनी चाहिए। अब ये देखो, ये तो चल पड़ी, अब ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम चलते हैं। हाँ हमका विदाई दीजिए ना, हमका विदाई। वो कहा है ना कि गांव में जब कोई जाता है तो उसको विदाई मिलता है, आज हम भी जा रहे हैं ना, तो हमका विदाई दीजिए। बाबूजी आप तो हमका विदाई दीजिए। अच्छा ठीक है, आप लोग नहीं देते हैं तो कोई नहीं, हम भगवान जी से विदाई ले लेंगे। क्या कर रहे हो ये?
के नाम से, अरे आपके नाम का पत्थर ना बाबूजी ने खुद अपने हाथों से उपहार आंगन के बीचों बीच गाड़ा था। बेटा नहीं 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 है, हम आपके बेटे और नहीं इनके, हम सिर्फ इनके बेटे हैं, सिर्फ इनके, जिन्होंने इस घर के सबसे पहले पत्थर पे हमारा नाम लिखा, हमारे नाम पे ये घर बनाया, सिर्फ इनके बेटे हैं हम भी तुझसे बहुत प्यार करते हैं बेटे। सच कौन सा सच, कैसा सच बाबूजी, आपने तो हमारी जिंदगी का पूरा सच ही झूठ में बदल डाला। आशीर्वाद दिया आप लोगों ने, वो हमारी जिंदगी अभी शाप बन गई। हमारे सारे अपने, हमारा अपना सब कुछ हमसे छिन गया। अब किसे सच माने, आप लोगों ने तो हमारी असली पहचान तक बदल डाली। इतने साल हर पल हर रिश्ता प्यार सब कुछ गलत साबित कर दिया आप लोगों ने। तो अच्छा होता कि आप हमें सड़क पर अनाथों की तरह छोड़ाते। बिहान कैसी बातें कर रहे हो बेटा, हम है ना, हम सब नहीं नहीं नहीं, अब कोई नहीं है, कोई नहीं है, अब तो हम खुद वो बिहान पानी रही है जिसे आप दोनों ने पाल उसने बड़ा किया। अब से हमारा आपसे कोई नाता नहीं, नहीं आप हमारा हर रिश्ता हर संबंध हमारा परिवार सब ये है। बहुत शान रह लिए तुम सौतेला बन के, अब नहीं, अब तुम अपने घर चलोगे और अपनों के साथ रहोगे, तब तुमको पता चलेगा कि अपनों के साथ रहने का सुख क्या होता है। चलो अब ना हम लोग अपने घर चलेंगे। हाँ चलो घर। हाँ बेहन बेटी, हमको कोनों से कोई दुश्मनी नहीं चाहिए, तू हमें मिल गया ना, हमें सब कुछ मिल गया, तू चल हमारे साथ, हम कहीं नहीं जाएंगे। ये घर हमारा है, हमारे पिताजी ने बनाया है इस घर को, इसलिए अब हम नहीं, ये लोग जाएंगे। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.